नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। लखनऊ की कुकरैल नदी पर बसा हुआ अकबर नगर अब उजड़ चुका है। यहां बसे हुए बासिंदों की आंखों के आंसू शासन प्रशासन को रोक नहीं सके। बता दें, 6 दशक से ज्यादा वक्त जिन आशियानों को सहेजने और बनाने में लगा, उन्हें अफसरों का बुलडोजर एक झटके में गिराने के लिए कुकरैल नदी के सौंदर्यकरण के नाम भरा धमका और आशियानों को उजाड़ कर शांत हुआ। अब अकबर नगर में रोने वाले भी नहीं रहे, क्योंकि उनको भी प्रशासन ने ठिकाने पहुंचा दिया है। वो किन हालातों में है, किसे क्या खबर, उनको तक पीएम आवास देकर सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। क्या फर्क पड़ता है कि 7 लोगों का परिवार महज 2 कमरों में कैसे गुजारा कर रहा होगा। फिलहाल अब दर्द की दास्तान सुनाने वाला कोई फायदा भी नहीं है और ना ही कोई है। लेकिन अब जब अकबर नगर समतल हो चुका है, तो इस पर सरकार क्या करने वाली है वो आपको बता देते हैं। लखनऊ के अकबर नगर में चल रहे ध्वस्तीकरण का काम आखिरकार पूरा हो गया है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 9 दिन तक चलाए गए इस अभियान में 24.5 एकड़ में बने करीब 1800 अवैध मकान, दुकानें और कॉम्प्लेक्स को जमींदोज कर दिया है। वहीं मंगलवार देर यहां धार्मिक स्थलों पर भी बुलडोजर चलाया गया है, जिन्हें पहले छोड़ा गया था। अब इलाके में सिर्फ मलबा ही दिख रहा है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस और पीएसी के जवान तैनात हैं। कुकरैल नदी की जमीन पर कब्जा कर लोगों ने कॉम्प्लेक्स, शोरूम, दुकानें और बड़ी संख्या में घर बना लिए थे। जब शासन ने कुकरैल नदी के सौंदर्यीकरण का आदेश आया, तो सर्वे में पता चला कि पूरा अकबर नगर नदी की जमीन पर ही बसा हुआ है। इसके बाद LDA ने ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस जारी किया। नोटिस के बाद भी कोई भूस्वामी जमीन के मालिकाना हक का दस्तावेज पेश नहीं कर पाया, जिसके बाद LDA ने ध्वस्तीकरण का आदेश पास कर दिया। इस फैसले के खिलाफ लोग हाई कोर्ट गए, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। बाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, पर वहां से भी अवैध कब्जा करने वाले लोगों को कोई राहत नहीं मिली। इस अभियान में अवैध बने 1169 आवास और 101 कॉमर्शियल निर्माण ध्वस्त किए गए। लोगों के आंसू के आगे भी प्रशासन का मन नहीं पसीजा। फिलहाल अब अकबर नगर समतल हो चुका है, ऐसे में सरकार इस पर क्या करने वाली है वो भी बता देते हैं। दावा किया जा रहा है कि अवैध निर्माणों को तोड़कर इको टूरिज्म तैयार किया जाएगा। इसके अलावा लखनऊ में स्थित चिड़ियाघर को भी शिफ्ट करने की योजना है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट कुकरैल नदी पर बनने वाला रिवर फ्रंट लखनऊ में एक प्रमुख विकास परियोजना के रूप में उभर रहा है। इस परियोजना पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट के माध्यम से लखनऊ में पर्यटन और स्थानीय विकास को नया आयाम मिलेगा और ये शहर की सुंदरता में 4 चांद लगाए जाने का दावा किया जा रहा है। देखा जाए तो आने वाले वक्त में लोग अकबर नगर के साथ हुए इस मसले को भूल जाएंगे। हो सकता है कि सरकार यहाँ सुंदरता बिखेर दे, मगर हजारों लोगों के दिल की कसक दशकों तक यहाँ बसने वाली है। अकबर नगर के साथ जो हुआ, उसमें केवल यहाँ के लोगों की गलती नहीं है, सरकार बराबर के हिस्सेदार है। अगर अकबर नगर अवैध था, तो सालों से यहाँ टैक्स क्यों वसूला गया? यही नहीं, इन इलाकों के लोगों के सरकारी पहचान पत्र भी लगातार उन्हीं अफसरों के विभागों से बनते रहे, जो आज बुलडोजर लेकर आशियानों को जमींदोज कर चुके हैं। फिलहाल अकबर नगर तो अब उजड़ चुका है, लेकिन सरकार इस जगह पर कैसे अपने सपने को पूरा कर पाती है, ये देखने वाला विषय होगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।